जी चच्ची आपका नाम क्या हुआ? नजमुन्निशा। नजमुन्निशा, आप इस रास्ते पे क्यों बैठी हुई? आपके पास घर नहीं है क्या? नहीं, मोती बैला है रास्ते पर बैठा है। किस लिए आप बैठे रास्ते पे? घर को बहलाता है। घर को बहलाता है? हाँ। क्यों बहलाता है? वो तो आपका घर है, तो मोदी क्यों बहलाएगा? मोदी बदमाशी करता है। क्या बदमाशी किया उन्होंने? रोड पर बैठा दिया। रोड पर बैठा दिया, तो आप बताइएगा ना किस लिए बैठे, रीजन क्या है? कागज मांगा है। क्या चीज का कागज? खेत का मांगा है, घर का मांगा है, खत्म हो गया। जी जी, गया, फंस गया जी, बाढ़ में दह गया, फंस गया, नहीं मिल रहा। तो मोदी सरकार, वो तो आपकी जमीन है, आपका घर है, तो मोदी सरकार कागज क्यों मांगेगा? बदमाशी करता है हम लोग। बदमाशी करता है, इसीलिए आप रास्ते पे आके बैठे हुए। ये कहना चाहता हूँ इस सरकार को कि ये जो आपने एक्ट लाया है, CAA और NRC लाने वाले हैं, NPR कर रहे हैं, ये संविधान विरोधी है और ये देश विरोधी है। ये जो लोग हैं ये देश को तोड़ना चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में फ़र्क करना चाह रहे हैं और अपनी गद्दी चमकाना चाह रहे हैं, हुकूमत करना चाह रहे हैं, ये तानाशाह हैं। इनको इस बात की फिक्र नहीं है कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है, हमारे मुल्क में कितनी बेरोज़गारी है, हमारे मुल्क की क्या क्या समस्या है। लेकिन ये जज्बाती नारे दे कर करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं और जो लोग मुल्क के भलाई के लिए कहते हैं वो उन्हीं को ही देश विरोधी घोषित करना चाहते हैं। लेकिन असल में देश विरोधी यही लोग हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर जिनसे डिग्री की बात होती है, अभी तक दिखाई नहीं गए सर्टिफिकेट, गरीब बेचारा कागज़ कहाँ से लाएगा? हमारे बिहार में हर साल बाढ़ आता है, बाढ़ से कितने घर बह जाते हैं, उस गरीब बेचारे के पास कागज़ कहाँ से आएगा, वह कहाँ से दिखा पाएगा कागज़? कितनी जगह जलजला आ जाता है और भी बहुत से कुदरती आफात आते हैं जिनकी वजह से वो लोग, बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, पहले कोई कागज़ नहीं बनता था, बहुत से लोगों के पास ज़मीन नहीं है, तो कागज़ कहाँ से लाएंगे? तो गरीब बेरोज़गार वो लोग इससे मारे जाएंगे और ख़ास तौर से जो एकदम ही फांसी पे खड़े हुए लोग हैं जिनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत थी, उन्हीं के ख़िलाफ़ काम किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है, ये हंगामा किया जा रहा है कि ये देश के सपोर्ट में है, जबकि ये सरासर देश के विरोध में है। लेकिन जनता जान चुकी है और इन लोगों की जो है कोई भी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और ये तानाशाह की तरह काम नहीं करें, ये जनता की भलाई के लिए काम करें। माँ बहने हैं और भी बहुत से शाहीन बाग हैं, पूरा हिंदुस्तान अभी शाहीन बाग बन चुका है और उन लोगों से यही कहना है कि हम सब उनके साथ खड़े हैं। हालांकि हम छोटे से शहर में, हम दिल्ली तो जा नहीं सकते, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो तोड़ने की कोशिश की गई है और हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश की करी जा रही है, जातिवाद बना करके, हिंदू मुस्लिम करके, ये सरकार की नीयत को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम सब उन माँ बहनों के साथ और उन लोगों के साथ हैं जो इस प्रोटेस्ट में NRC के खिलाफ हम लोगों के साथ खड़े हैं। NRC, CAA और NPR के विरुद्ध में ये मानव श्रृंखला वामपंथी द्वारा चलाई गई थी, जिसमें समर्थन हमारे जमात उलमा हिंद और जमात हमारा सरिया, इनके अलावा जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय पूर्व सांसद यादव जी ने आह्वान किया था कि इस मानव श्रृंखला में जो देश में काला कानून लाया जा रहा है उसके विरुद्ध में आप लोग भी इसका सड़क पर आकर आप इसका सपोर्ट करेंगे। इसी कड़ी में जितने भी हमारे जनता पार्टी लोकतांत्रिक के जितने भी विंग के लोग हैं, महिला विंग के लोग हैं, युवा विंग के लोग हैं, छात्र विंग के लोग हैं, सभी लोगों ने सहयोग किया और जो लगभग 1.5 किलोमीटर का मार्ग श्रृंखला लगा उससे ये केंद्र सरकार को ये बताने की कोशिश की गई है, संकेत दी जा रही है कि देश में ये भयावह स्थिति, अगर आप इसी तरह अपने जिद पर रहेंगे तो देश में थोड़ा की स्थिति हो रही है और फिर जब ये शुरू होगा तो फिर रोकना मुश्किल होगा। BJP सरकार यही चाह रही है कि लोग उनसे रोज़गार नहीं मांगे, रोज़ उनसे ये यहाँ की जनता, भारतीय जनता उनसे ये नहीं पूछे सर हमारे रोज़गार का क्या हुआ, सर देश की आर्थिक स्थिति इतनी गिरती जा रही है उसका क्या होगा, मतलब कि देश को धर्म के नाम पर उलझा के रखना चाहते हैं।
जो देशवासियों को समझने की ज़रूरत है, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि एक बार जो एक्ट 3 पेज का है एक बार पढ़ लीजिए, तब फिर बताइए कि केंद्र सरकार का मंशा क्या है। उससे साफ पता चलता है कि वो देश के अंदर में एक धर्म के एक समुदाय के लोग को वो टारगेट करना चाह रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो ये दिखावा है, वो उनको चाहिए जो हमारे हिंदुत्व का जो नारा लगा दे चुका है, एजेंडा है, देश को उसी तरफ ले जा रहे हैं, जो कि आगे आने वाले वक्त में ये बहुत बुरा होगा। मेरा ये मानना है कि ये जो तीनों कानून, एक कानून और दो ये नारसी और NPR जो है, ये सरासर हिंदुस्तान के आइन के ख़िलाफ़ है, और ये RSS की गंदी सोच है जिसको थोपने की कोशिश की जा रही है मुल्क पर, और ऐसा हुआ तो ये पूरा मुल्क बर्बाद हो जाएगा। और जितने भी जैसे रोज़गार हैं, ये है, इन सब चीज़ों पर ध्यान न दे के इन गैर ज़रूरी चीज़ों पर काम करना, ये बहुत ही गलत है। इसको छोड़ के और ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। लोकतांत्रिक देश में जी जी। और लोकतंत्र जो है, जिसने हमें इजाज़त दी है, हमारी जो है संविधान ने हमें खुली इजाज़त दी है कि हम जैसे चाहें वैसे रहें, ठीक है, और वो पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि लोकतंत्र में कभी भी गवर्नमेंट से पब्लिक सवाल करती है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही है कि पब्लिक की गवर्नमेंट पब्लिक के हिसाब से काम करती है, ना कि पब्लिक को सही कहे। गवर्नमेंट आज के साबित करे आप कि आप यहाँ के नागरिक हैं। आज मुझे कोई मेरे घर में घुस के ये कहे कि तुम साबित करो कि तुम्हारा बाप कौन है जी, तुम, ये मेरे लिए सबसे बड़ी इज्जत की बात है, ये इंसल्ट की बात है, और ये तमाम देश के लिए है। मैं अपने हिंदू भाइयों से खास तौर से कहना चाहता हूँ कि वो इस चीज को समझे कि ये किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं है, या ना ये किसी है। जब हमारे क्या कहते हैं गृह मंत्री कह रहे हैं कि भाई ये यहाँ जो हिंदुस्तान यहाँ की आवाम है उसको डरने की जरूरत नहीं है, तो भाई जब डरने की जरूरत नहीं है तो आज ये आवाम क्यों रोड पे निकली हुई है? रोड पे निकलने की असल वजह यही है कि गवर्नमेंट हमसे पूछने वाली होती कौन है कि हमारा बाप कौन है, हम अपनी वल्दियत साबित करें और हम हिंदुस्तानी हैं ये साबित करें। और अगर उनको देखना है तो जाकर के इंडिया गेट पे देखे वो कि कितने जो है मुसलमानों ने अपनी शहादत दी है इस मुल्क के आजादी के लिए, वो जाकर के देखे लाल किले को जो है, और वो हमसे आज हमारी पहचान मांगते। न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, जिसे आतंकवादी कहकर गोली मार दी उसी मजलूम के सीने।